ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब आदमी जब डिप्रेशन में रहता है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बढ़िया पहाड़ी इलाका में जाओ, ले भैया फोटो खींच। तो सब लोग अपना बड़ा वाला मिरर लगा लिया है और अपने यूसुफ भाई अपना मिरर पैक कर लिए हैं कि जहाँ दिक्कत करेगा वहाँ पे देखा जाएगा। पहला वाला मतलब वीडियोस था इंदौर वाला, उसमें का वीडियो अपना वीडियो जो क्लिप था वो सारा गोप्रो से फॉर्मेट हो गया था। सनसेट इसको नहीं बोलेंगे, मतलब अभी सूरज उगा है। मैं भाई लोगों से बोला कि सूरज निकलने से पहले ही गोरखपुर पहुँच जाया जाए, लेकिन इन्हन लोगों के दिमाग में कहाँ आई ये बात। बस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग अपना राइड स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं गोरखपुर, फिर गोरखपुर से नेपाल, मतलब बलिया टू नेपाल जाने वाले हैं हम लोग बलिया से सबसे पहले इधर मऊ की तरफ आए हैं अपने ग्रुप को लेने। मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जाने वाले हैं लोग अपने लोग, और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ यार वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, और आप लोगों को कुछ पार्ट वाइज मिलेगा। और मैं आप लोग को बता दूँ जो पहला वाला मतलब वीडियोस था इंदौर वाला, तो उसमें का वीडियो अपना वीडियो जो क्लिप था वो सारा गोप्रो से फॉर्मेट हो गया था, जिसके वजह से हम वीडियो अपना अपलोड नहीं कर पाए थे आगे। तो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। तो एक और भाई है उनको भी ले लिया जाए, उसके बाद फिर निकलेंगे लोग। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है अपने इस फुल व्लॉग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग में। मतलब सो गाइस आप लोग देख सकते हैं एक बाइक आगे चल रही है और एक बाइक पीछे और बीच में हम, तो चलते हैं डायरेक्ट, मतलब फोर लेन से चलने वाले हैं लोग, शायद पूर्वांचल पे चढ़ेंगे लोग। तो चलते हैं अपन लोग साथ में, और देख सकते हो कभी भी लॉन्ग राइड मारना तो भाई यार मैं तो इतना ही कहूँगा कि कभी भी सेफ्टी फर्स्ट, बाद में हर चीज़ देखना। तो आप लोगों को बंदे से सबसे मिलवाएंगे भी चल के, कहीं जहाँ रुकेंगे शायद डायरेक्ट अब गोरखपुर रुकेंगे लोग और फोर लेन से जाएंगे लोग, तो आप लोग से वहाँ पे भी मिलाते हैं लोग सबसे। तो चलते हैं नॉर्मल। तो सब लोग अपना बड़ा वाला मिरर लगा लिया है और अपने यूसुफ भाई अपना मिरर पैक कर लिए हैं कि जहाँ दिक्कत करेगा वहाँ पे देखा जाएगा। वो मिरर से उनसे मतलब नहीं है। तो देख सकते हो सनसेट इसको नहीं बोलेंगे, मतलब अभी सूरज उगा है। मैं भाई लोगों से बोला कि सूरज निकलने से पहले ही गोरखपुर पहुँच जाया जाए, लेकिन इन्हन लोगों के दिमाग में कहाँ आई ये बात। तो थोड़ा मतलब ट्रैवलिंग व्लॉग है तो ना इसको बोरिंग बनाएंगे और ना ही मतलब एकदम आप लोगों को रास्ता बताते चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, हम जा रहे हैं भाई बलिया टू नेपाल और भाई लोग जा रहे हैं मऊ टू नेपाल। तो चलते हैं, टाइटल में कंफ्यूज तो होंगे हम भी, और साथ में चल के सब लोग एक थंबनेल खींचेंगे लोग। तो देख सकते हो, और अपन लोग थोड़ा हाइपर राइड करते हुए चलेंगे क्योंकि सूरज निकल चुका है और बॉर्डर पे काफ़ी टाइम लगने वाला है। ले भैया फोटो खींच। हे गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग भी किया जा रहा है, थोड़ा सा मतलब ओवर स्पीडिंग किया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा हाईवे टाइप में है तो, और करना तो बनता ही है ब्रो, क्योंकि अपना एक ड्रैग रेस आने वाला है काफ़ी जल्दी ड्रैको वर्सेस डार्क के बीच, क्योंकि नॉर्मल इधर करने पे तो विंड ब्लास्ट नहीं मिलेगा, इस पर विंड ब्लास्ट नहीं मिलेगा, यही पूर्वांचल पे जाएंगे लोग तो हम लोग को विंड ब्लास्ट मिलेगा। और देख सकते हो काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को, मतलब 30 दिन पूरे रमज़ान में राइड पे कहीं नहीं निकले थे लोग, एक बार ही नेपाल।
भाई एक अंदर से गुदगुदी मस्ती है। और मैं चाहता हूँ प्लीज़ यार, आप लोग भी मतलब ये मत सोचा करो कि कमाएंगे तभी मतलब कहीं जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे। यार एक्सप्लेन करो, जगहों को एक्सप्लेन करो, जाओ कैंपिंग करो, मतलब एडवेंचर करो, हर चीज़ करो, हर जगह एक्सप्लेन करने जाओ। ये सोच के मत जाओ कि मुझको आज ये करना है वो करना है, आज ये करना है फिर कल ये खर्चा करना है, वो सब सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। और जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब तक बूढ़े हो गए रहोगे, घुटनों का दर्द लेके कहाँ घूमोगे। एक घर में से मतलब एक घर से बाहर जल्दी आदमी नहीं जाता है, तो घूमने की तो बात ही छोड़ दो। और अपन लोग की तो लाइफ भाई क्या कहूँ, ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब आदमी जब डिप्रेशन में रहता है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बढ़िया पहाड़ी इलाका में जाओ। दार्जिलिंग हुआ, लेह लद्दाख हुआ, भाई लेह लद्दाख तो एकदम जहर जगह है भाई, वहाँ पे जो जाएगा भाई साहब बात ही अलग है वहाँ की। नेपाल तो पहाड़ी इलाका है तो देख सकते हो काफ़ी मस्त मतलब लोकेशन भी है। अपने को तो सबसे पहले नेपाल जाना है, नेपाल जाके वहाँ पे भाई अपना एम तो सिर्फ घूमने का है, इन लोग का भाई नहीं मालूम। तो देख सकते हो क्या माहौल बन रहा है, अकेले सड़क पे हम तीन बाइकर्स, लाइफ एंजॉय करने वाली चीज़ है, रिस्क में अपनी लाइफ को मत डाला करो। आप लोग देख सकते हो अभी भी कोहरा साइड साइड में दिखाई दे रहा है और काफ़ी मतलब नॉर्मल ठंड है यहाँ पे, इस पर थोड़ा सा तो ठंडा लग ही रहा है अपने को और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। हम लोग तो भाई राइडर हैं, राइडर ये होते हैं कि भाई मंजिल का हम लोग मज़ा नहीं लेते हैं, मंजिल मिले चाहे ना मिले हम लोग सफ़र का मज़ा लेते हैं। और निकल गए फिर से सफ़र में सीधे गोरखपुर, वही वाला रोड है ये, मऊ से जा रहा है गोरखपुर, तो दोनों मतलब घोसी से जा रहा है गोरखपुर, बीच में मऊ कोपा घोसी ये तीन जगह जो पड़ता है इसमें बस नॉर्मल रोड बना है, वो रोड मतलब उतना सही नहीं है, ये घोसी से स्टार्ट होता है। तो अपन लोग तो थोड़ा नॉर्मल ही जा रहे लोग, सबसे पहले गोरखपुर जाएंगे हम लोग, अभी ल्यूब करना भूल चुके हैं लोग, तो सबसे पहले गोरखपुर पहुंच के फिर ल्यूब करेंगे लोग। देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल रेंज 200 किलोमीटर दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है, देखो 180 हो गया यार। KTM वाले भी गजब है और सब लोग जान सकता है कि इतनी से पेट्रोल में नहीं जा पाएगी उतना। हे गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपना बाइक का हम लोग पेट्रोल टैंक फुल कर रहे हैं और साथ में देख सकते हो यहाँ पे ट्रिप अपना ज़ीरो किया है। यहाँ से याद है हम लोग को यहाँ पे कि ट्रिप ज़ीरो करके देखा जाए टोटल कितना किलोमीटर हम लोग रन करेंगे। और अभी देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा धूल जमा हो गया है यार, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा यहाँ पे धूल जमा हो गया है और उसमें भी धूल जमा रहे हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट अपन लोग ट्रिप पे। देख सकते हो यहाँ पे ट्रिप वन करके हम लोग निकलते हुए, फिर मिलते हैं हम लोग आप लोगों को यहाँ पे हाईवे पे। और भाई लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कराते हैं अपन लोग, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कराते हैं फिर अपन लोग चलते हैं डायरेक्ट। आ रहे हैं सब लोग, थोड़ा और आगे जाओ भाई तुम, बस नहीं यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट कर रहे थे लोग, फोटो शूट हो गया, अब चलते हैं डायरेक्ट रुकेंगे लोग हम लोग गोरखपुर और रास्ते में जो जो चीज जैसे होता है वैसे आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम लोग घोसी से कितना, शायद घोसी से नहीं मतलब मऊ से 20 किलोमीटर तो कवर कर चुके होंगे, 20 से या 30 किलोमीटर।
आई मीन इसीलिए अपना ट्रिप ऑन किए हैं कि पता चलेगा कि कितना किलोमीटर हम लोग ने कवर किया है और कितना किलोमीटर करना बाकी है, ये सब चेक करेंगे लोग तो उसी के हिसाब से। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग आप लोग से आगे, तो बने रहिए हम लोग के साथ। अगर आप लोग को मेरा ट्रैवलिंग वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो फिर से अपना हम लोग लॉन्ग वाला मिरर लगा चुके हैं क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे कभी भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और एक्सप्रेसवे का यहाँ से काम चल रहा है तो हम लोग साइड से हैं, लोग उधर से सारा रोड बंद है तो देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और सारा रोड पीछे का भी बंद है और आगे का भी बंद है, तो देखते हैं अपन लोगों को कैसे जाना है और कौन से रूट से जाना है, ये सब चेक करेंगे लोग, ग्रुप से डिस्कस करेंगे। सीधे ही जाना है तो देख सकते हो यहाँ पे ऑफ रोड होने वाला है पूरा, यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हुए चलेंगे। पूरा मस्त ऑफ रोडिंग का मजा लेते चलेंगे इस ट्रिप में। बंद है तो लो, यहाँ से गाड़ी आई गई है एक बार चेक करके आ जाए। आओ, तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग करते हुए तो अपन लोग इधर भूलते उलते इधर उधर घूमते चले आए हैं लोग। यूसुफ को कॉल करो, आओ, खुला हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे पुल पुल का पूरा, ये पुल न्यू बन रहा है तो इसके लिए, वैसे तो ये पुल न्यू बन रहा है इसीलिए सारा चीज़ दिखा रहा है बंद है, पूरा सूख गया है, पूरा रेत ही रेत। और इस रेत में हम लोग भूल चुके हैं, एक बाइक आ गया है, एक बाइक अपने साथ है। इस पुल को बनाने में तो लोग बनाने लगे थे, फिर जब देखे कि पानी सूख गया है तो फिर कहे कि क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने से, इसलिए पुल को ऐसे ही रख दिया गया। अभी अभी बनने का काम बंद हो चुका है, फिर भी बंद तो जाएगा ही, ये तो अपने को लोग अपने को ही पता है। पर अपन लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या पुल मतलब यही है रूट या फिर आगे बंद होगा या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी कंफर्म कुछ नहीं है। ये पुल देख के हमको तो वही ब्रिज लग रहा है जो ब्यासी पुल का है। ब्यासी पुल का भी ब्रिज काफ़ी लंबा है और देख सकते हो ये ब्रिज अगर बंद होता तो वहाँ पे भी मतलब बंद होने का सारा लग गया रहता। तो देख सकते हो अपने जो बंदे हैं सीधा निकल चुके हैं सब, उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है यार, किसी के पास इंटरकॉम नहीं है और एक बाइक आगे गई है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है यार, गोरखपुर सीधा लिखा तो है सीधा 63 KM, रूट सही है बस रूट थोड़ा बंद चल रहा है इसके वजह से आदमी कंफ्यूज्ड है। तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से आगे, देख सकते हो अभी भी यहाँ पे मतलब काम चल रहा है तो यहाँ पे आधा रूट बंद करके रखे हैं सब। भाई यार बंदे कैसे हैं सब, भाई पहुँच के कॉल करेंगे सब, भाई कहाँ हो, नेपाल हूँ यार। एक बार रुक नहीं रहे हैं सब किसी के लिए, ये ग्रुप का मतलब सबसे डिसवांटेज बात होता है कि एक बंदा मतलब दूसरे बंदे के लिए नहीं रुकता है जब, तो
यही वजह है कि हम मतलब सारे ग्रुप से नहीं, मतलब होता है हम रियाज भाई को लेके चलते हैं, राइडर अशरफी को, तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से आगे। तो बने रहिए वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो भी हाईवे ही है भाई साहब। भाई ऐसे मुड़ के फिर से वापस उधर जाना है यार, ये सब क्या फंडा है। अभी हम लोग पता ना कौरी रहा पहुंचे हैं लोग, अभी बहुत दूर है गोरखपुर। नहीं भाई ये वाला रास्ता नहीं है, मुझको लगा भाई मैं ऐसे वापस जाएंगे वो भी उस रोड पे, उस मिट्टी के रोड पे। भाई गजब है यार इनन का फंडा, सीधे जाना है अपने लोगों को। और देख सकते हो मेरा ये कुछ 99 का एवरेज निकल के आ रहा है, 99.9, तो कुछ ये 100 का माइलेज दे दे रही है अपनी ट्यूक। भाई सच में नहीं देती है, सच में तो इसे 20 तक का, मतलब 20 नहीं 24 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, 24-25 का, उसके ऊपर का मत करना। मान लो मैं अपने वीडियो में मजाक में बोल दिया कि 100 का माइलेज देती है, मैं अपने वीडियोस में बोल दिया कि 100 तक का माइलेज देती है, तुम लोग समझ के खरीद लिए ड्यूक 250, फिर कहोगे बात ऐसा है राइडर भैया, कमेंट में आपको गाली तो सुनना ही पड़ेगा कि भैया मैं आपके चक्कर में ड्यूक 250 तो ले लिया पर पेट्रोल भरा भरा के घर बेचना पड़ रहा है। तो ये 2 लेन भी मस्त है, ऐसा कुछ मतलब वो चीज़ नहीं है कि मतलब पूर्वांचल और इसमें, बस यही अंतर रहता है कि पूर्वांचल में वो अंतर तो हमको अभी तक नहीं पता चला। अच्छा हाँ ये 4 लेन है, पूर्वांचल 6 लेन होता है, और पूर्वांचल मतलब एक एक्सप्रेसवे का नाम है जो मऊ से लखनऊ तक जाता है पूरा पूर्वांचल, उसका नाम पूर्वांचल है, और नॉर्मल जितना है वो सारा एक्सप्रेसवे है। तो आप लोग कभी भी इस गलत फैमिली में मत रहना, पूर्वांचल मैं बोलता हूँ लेकिन आप एक्सप्रेसवे ही समझा करो। एक्सप्रेसवे जो आगरा का एक्सप्रेसवे रहता है, आगरा एक्सप्रेसवे, तो उसमें तो 8 लेन है, नहीं नहीं 8 लेन तो शायद वहीं पे था, क्या नाम है लखनऊ वाले में 8 लेन है भाई साहब, लखनऊ वाले में 8 लेन है, यानी कि 8-8 करके 16 था शायद, मुझको उतना नहीं याद है, लेकिन आप लोग वीडियो देखते ही हो तो देख के बताना, वीडियो आप लोग देखते ही हो तो देख के बताना। UP 50 जान पहचान लग रहा है, अपन बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाले हैं कोई भी चीज़ में, नॉर्मल आराम से चलेंगे। ये गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से, मतलब वहाँ से दिखा रहा था 1 किलोमीटर पे टूल गेट है, और टूल गेट आ गया, अपन लोग टूल गेट पे पैसा नहीं देंगे लोग, क्योंकि चचा यहाँ पे विधायक है, हमारे विधायक हैं चचा, तो मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना। टूल गेट एक बात मैं फिर से आप लोग को समझा दूँ, काफ़ी लोग इस बात पे झगड़ा भी करते हैं, तो मैं आप लोग को कंफर्म बता दूँ, जो टूल गेट होता है ये टूल गेट बाइक के लिए फ्री रहता है, ओके, बाइक के लिए टूल गेट फ्री रहता है, और कार के लिए
आप लोगों को यहाँ से टूल कटाना पड़ता है। तो अभी तो शायद टूल गेट भी बंद लग रहा है मुझको, या फिर ये पुराना वाला होगा तो आगे नया बना होगा, ऐसा भी हो सकता है। हम कंफर्म तो नहीं है कुछ, तो मैं आप लोग को बता दूं। देख सकते हो काफ़ी देर से मतलब राइड कर रहे हैं लोग, अब थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रही है। और यार अपनी तो लाइफ ही पूरी, अपनी लाइफ है पूरा इसमें राइडिंग में। तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से आगे। देख सकते हो गाइस अभी एक्सीडेंट होने से वजह है भाई, यार भाई अच्छा खासा स्पीड में था और इन्होंने भाई ट्रक एक बाइक मतलब मुड़ा दिया। यार इसी में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, और लोग कहते हैं कि भाई जो राइड करते हैं वो सब रॉन्ग होते हैं सब। ये जो रोड देख रहे हो ये नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे होने के बावजूद अगर नेशनल हाईवे होने के बावजूद अगर 80 किलोमीटर पर आर ना चला गया हो तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे लोग 8 किलोमीटर और गोरखपुर है। तो मिलते हैं हम लोग आप लोग से छोटी सी ब्रेक के बाद। तो बाय। यही है भैया। तो भाई यार भाई से मतलब देख क्या है GoPro कैमरा सूट वूट तो क्या ही सब्सक्राइब करने के लिए, तो भाई भी वीडियो देखेंगे। वैसे अपने को थोड़ा थोड़ा मतलब राइड लॉन्ग राइड करना चाहिए, क्योंकि लोग देखता है और देखेगा तो काफ़ी बढ़िया रहता है। इसलिए देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मतलब 100 किलोमीटर सफर करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा खाने ज़्यादा लग गया था और बाहर खराब हो गया। अभी हेलमेट उतारे हैं लोग और काफ़ी चीज़ पहने थे लोग। तो मिलते हैं हम लोग आप लोग को अभी थोड़ा अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, और बाहर खाबी के मिलते हैं लोग, फिर वहाँ पे चलते साकिब से मिलते हैं, फिर निकलेंगे लोग हम लोग नेपाल के लिए। तो बाय।